Hello students, we are reading the fifth chapter of English, A Different Kind of School. Students, as we are reading the chapter 5, and today we will read the last chapter of this, last part of this chapter. Conversation between the writer and the little girl. Before reading this paragraph, here are some word meaning for you. Let's read. These are the word meaning which we will read in this paragraph. So, let's read. Walked. Walked ka next word hai go. Yani chala. Ya chala gaya. Gradually. Gradually ka next word hai by and by. Dheere dheere. Discovered. Discovered means searched for. Iska next word searched for. यानी खोज की. थॉटफुल कॉन्सिडरेट विचारशील. रियलाइज्ड अंडरस्टैंड एहसास हुआ. डिस्क्राइब रिप्रेजेंट यानी वर्णन करना. इंटरेस्टिंग एंग्रोसिंग यानी दिलचस्प. सॉरी ग्लूमी यानी माफ करना और इसका वर्ड होता है दुखी भी होना. रिप्लाइड रिस्पॉन्ड उत्तर दिया. And after all, finally, आखिरकार. These are the word meaning. And now, let's read the paragraph. And so we walked on gradually. I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought. अब writer कहता है कि मैं और जो छोटी बच्ची थी, हम धीरे धीरे चलते रहे. Walked on हमने भी पढ़ा था, चलते रहे. Gradually, धीरे धीरे. एंड आई डिस्कवर्ड, यहाँ पर डिस्कवर्ड का मतलब है, वैसे तो खोज की होता है लेकिन यहाँ पर डिस्कवर्ड का मतलब है कि मैंने समझा या मैंने जाना दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल, कि मैं पहले से 10 गुना ज्यादा विचारशील या समझदार हो गया हूँ देन आई एवर थॉट, जैसे कि मैं पहले था या सोचा करता था. आई कुड बी. आई ऑल्सो रियलाइज दैट, और मैंने ये भी महसूस किया, If I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting. और मैंने ये भी एहसास किया है, ये भी महसूस किया है कि यदि मैं मुझे लोगों को कुछ बताना पड़े, लोगों के बारे में या चीजों के बारे में, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से बता सकता हूँ. ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. When I finally had to leave, और जब मैं फाइनली यानी आखिरकार या अंत में, लीव कहते हैं छोड़ना, जब मैं फाइनली अंत में छोड़ने जा रहा था स्कूल को, आई टोल्ड मैंने मिस बीम को बताया, आई टोल्ड मिस बीम मैंने मिस बीम को बताया दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो, और मुझे जाने में बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाने में. तो आह शी रिप्लाइड, हाँ यानी खुश होकर उसने उत्तर दिया, शी रिप्लाइड रिस्पॉन्ड किया. देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, वो कहती है आहा ये तो बहुत अच्छी बात है. इट मीन्स क्या है कि मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपको जाने में दुख हो रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्टोरी हमारी फिनिश हो जाती है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. एंड इन दिस स्टोरी वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, यानी हमने पढ़ा के बच्चों को एक्टिविटीज के द्वारा यहाँ पर सिखाया जा रहा है, उनको मॉरल दिया जा रहा है, उनको आइडियल बनाया जा रहा है कि किसी दिन उनको अंधे का रोल करना होता है, किसी दिन उनको लेम का रोल करना होता है, किसी दिन उनको इंजर्ड का रोल करना होता है, ताकि वो जो लोग इंजर्ड हैं या जो ब्लाइंड हैं या जो लेम हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को वो समझ सकें, उनको महसूस कर सकें और लाइफ में एक अच्छा इंसान बन सकें. थैंक यू.